सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका नोनी भाई, स्वागत है भाई आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना भाई एसी की मेंटेनेंस कर सकते हो। आप जैसा कि गर्मी का मौसम आ चुका है, आप देख सकते हो पूरा पसीना पसीना हुआ पड़ा हूँ मैं। तो भाई ये पसीने से बचने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली पहले पसीना पोंछ लेता हूँ एक बार। हाँ तो भाई मतलब है ना, आपको करना क्या है सिंपली, जैसे हवा कम आती है लोगों के एसी के ब्लोअर में, तो एसी फिल्टर साफ करना सिखाऊंगा मैं आपको, कैसे आप अपना एसी के फिल्टर को क्लीन कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी देखो एसी का ब्लोअर की स्पीड बढ़ जाएगी थोड़ी, जो रुकावट होती है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी, और एसी भी थोड़ा अच्छा आपका चिल्ड करेगा गाड़ी को पूरे, मतलब जैसे कि इसमें भाई रियर एसी वेंट्स नहीं आते, तो पूरी गाड़ी है ना बढ़िया से क्लीन हो जाएगी, मतलब कूल हो जाएगी अपना, क्लीन कह रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो इसी के साथ भाई अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे, सीधा आपको मैं एसी फिल्टर को क्लीन करना सिखाता हूँ। बहुत ही नॉर्मल है भाई, हर गाड़ी का आप कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई सिंपली आपको करना क्या है, पैसेंजर साइड वाला अपना डोर जो है ओपन कर लेना है। ओपन करके ना भाई आपको खोलना क्या है, ये डैशबोर्ड दिख रहा है आपको नीचे का ग्लोव बॉक्स, इसको ओपन करना है। ओपन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। भाई सीट को पीछे कर लेते हैं थोड़ा, और ओपन करने के लिए क्या करना है, यहाँ से ओपन करके सामान जैसे रखा हुआ है, सामान तो भाई अपना जो है इग्नोर कर दो आप, और यहाँ से है ना दो लॉक्स हैं, देखो सकते हो, एक एरा एक एरा, इन दोनों को है ना इस तरीके से प्रेस करना है। मैं एक बार इधर लगा देता हूँ। तो भाई इन दोनों में करना है आपको, इसको इस तरीके से प्रेस करना है। तो प्रेस करने के बाद है ना, या तार आ रही है बीच में, ये प्रेस करने के बाद ऐसे नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद आपको खींच के निकाल लेना है, सिंपली हो गया रिमूव। अब आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस क्या है भाई, बहुत ही सिंपल है। आप है ना खामा खामे रॉकेट साइंस समझते हो गाड़ी को मेंटेन करना, दिखाता हूँ आपको करना क्या है। तो भाई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है ना इसके अंदर एसी फिल्टर होता है, इसको मैं यहाँ से प्रेस करके निकाल लेता हूँ। ये आ गया अपना बाहर, और ये रहा भाई अपना एसी का फिल्टर, इसको है ना यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ मैं। इसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट सा है, पर है ना थोड़ा पकड़ना पड़ेगा आपको, आ जाएगा बाहर। देखो भाई कितना गंदा हो रहा है, हद है मतलब यार गाड़ी में है ना। एक बार बताऊँ, मैं हीटर वगैरह भी चलाता है इस गाड़ी में गर्मियों में, तो हीटर के टाइम पर कोई साफ नहीं करता है इसको। चलो कोई नहीं गया वो, तो भाई हीटर चलाते भाई कोई साफ करता नहीं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा एयर फिल्टर साफ करना मैंने आपको सिखाया गाड़ी का, तो इसको भी साफ कर लेते हैं इसी तरीके से पटक पटक के। आपके पास अगर ब्लोअर है तो भाई उससे काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा। ये देखो दिख रहा है आपको कितनी धूल निकल दी है भाई साहब, मतलब गाड़ी में इतनी धूल कहाँ से आई। और एक बार बताऊँ, एक बार इसे अभी तीन चार दिन पहले मैं साफ कर चुका हूँ, ये सिर्फ तीन चार दिन की ही धूल है, और इससे पहले जो है बिल्कुल अच्छे से मैंने ब्लोअर से साफ़ करा था इसे। तो कुल मिला के इसको भी बदलने वाला टाइम हो रहा है, तो काफ़ी हद तक तो धूल निकल चुकी इसके अंदर है ना। यहाँ पर जो है देखो डस्ट जमा हो जाती है, डस्ट भी क्या ये रेशे से होते हैं ऐसे, ये जमा हो जाते हैं और ये फिर है ना ब्लॉक करते हैं आपके एसी को। तो मेन पर्पज़ तो भाई अपना भी आपको सिखाना है, और क्लीन भी हो चुका है, इसको वापस से जैसे था ना इसको लगा देंगे ऐसे ही, और लगाने के बाद भाई ये देखो ये लग चुका है यहाँ पर, और इसका जो कवर है ये इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। ये देखो एक फंसेगा उधर यहाँ पर, ताकि ये निकले ना, फंस गया, और यहाँ से प्रेस करने पे लॉक हो जाएगा, लॉक हो गया। अब ये डैशबोर्ड को वापसी लगा देते हैं भाई। तो भाई ग्लोव बॉक्स को अपने वापसी लगा देते हैं, इसको यहाँ पर जहाँ से निकाला था नीचे से इधर ऐसे फंसा देना है आपको, फंसा के भाई सिंपली ऊपर उठा के बंद कर देना है आपको, लॉक कर देना है कुल मिला के सिंपली, और ये अपना बंद हो जाएगा। ये तारे आ रही हैं कुछ म्यूजिक सिस्टम की, इसको साइड कर दूँ मैं वरना टूट जाएगी ये फंस के अंदर, और हाँ हो गई। तो भाई ये अपना जो है तारे डाल देते हैं इसमें, ये इसकी है, इसमें है ना वो लगा हुआ है एंड्रॉयड, तो उसके USB की तारें हैं इसमें, देख सकते हो ना पेन ड्राइव लगा हुआ है, वजन लिखा हुआ है इस पर। तो हो गया भाई स्नग फिट। ए अब आपको एयर फ्लो दिखाऊं कैसा है इसका, जो आपका नई गाड़ी का आता है ना एयर फ्लो सेम वैसा हो चुका। अब आप सोच रहे होगे इसको निकाल के भी हम कर सकते हैं भाई, निकाल तो दोगे वो बात ठीक है आपकी, एयर फ्लो इसका बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन भाई उससे क्या होगा ना, आपकी कूलिंग कॉइल जितनी डस्ट इसमें बच रही है वो सब कूलिंग कॉइल में जाएगी, और वो थोड़े टाइम बाद चौक हो जाएगी। ये गाड़ी करी मैंने स्टार्ट, आ हा, ब्लोअर की स्पीड भाई साहब देखो, ये विंड नॉइस आपको आ रही होगी, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, काफ़ी ज़्यादा ब्लोअर की जो है स्पीड बढ़ चुकी पहले से, जबकि भाई तीन चार दिन की मिट्टी है, मेरे को तो इंस्टेंटली फील हो रहा है सब कुछ।
तो 3-4 दिन में जब इतनी मिट्टी है तो भाई सोच सकते हो, आपने तो पता नहीं कब से नहीं करा होगा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। आप अपनी गाड़ी में इमिडिएटली इन कामों को तो कर लो। एक पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया एयर फिल्टर साफ़ करने का, और ये एसी फिल्टर साफ़ करने का। दोनों फिल्टर भाई बहुत ज़रूरी होते हैं। बेसिक मेंटेनेंस अपनी गाड़ी की खुद करना सीखो, किसी मिस्त्री पे जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। आपका पैसा भाई मेहनत का पैसा है, कोई आराम का पैसा नहीं है। तो भाई इसी के साथ है ना, कैसी लगी आपको ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, और बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो करोगे ऑब्वियसली, और चैनल आप सब्सक्राइब कर देना। बाकी भाई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।